गया HTML के वर्जन बतलाइए, है ना। हर चीज का कुछ ना कुछ नया वर्जन आता है, अपडेट होता रहता है, तो यहाँ पर कौन कौन से वर्जन है, तो HTML के वर्जन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। HTML के पहले वर्जन को सिर्फ HTML ही कहा जाता था, इसे HTML 1.0 नहीं कहते थे। फिर इसके बाद आया HTML प्लस। देव रिग्राट ने 1993 में कार्य एवं उसमें सुधार कर HTML प्लस विकसित किया। ये वर्जन याद होने चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहले कौन सा आया HTML, फिर कौन सा आया HTML प्लस, फिर कौन सा आया HTML 2.0। वर्तमान में उपलब्ध सभी ब्राउजर इस संस्करण का समर्थन करते हैं। यह संस्करण 1994 में आया, कौन सा, HTML 2.0। HTML 3.0 यह संस्करण 1995 में बनाया गया। इस संस्करण में पुराने संस्करण की अपेक्षा अधिक विकल्प दिए गए थे, जिससे टेबल, गणितीय फंक्शन आदि में काम करने में सहायता मिलती है। फिर आया HTML 3.2, यह बनाया गया 1997 में। इसमें बहुत से सहायक टूल थे, इंटरनेट 3.0, नेटस्केप 3.0 इस संस्करण से अच्छे कार्य करते थे। तो ये क्या थे, वेब ब्राउज़र, है ना। अब ये भी था, क्योंकि आखिरी में HTML में लिखे गए कोड को किसको पढ़ना है, वेब ब्राउज़र को पढ़ना है। इसलिए कई बार नीचे देखना वेबसाइट के लिखा रहता है कि इसका बेस्ट व्यू, मतलब सबसे अच्छी वेबसाइट हमारी किस में चलेगी। कुछ लोग बोलते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलेगी, जैसे MP ऑनलाइन वाले बोलते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में ही फॉर्म ओपन कीजिए, क्योंकि कई बार जो HTML होता है वो केवल एक ही ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, और कई बार लोगों को हर ब्राउज़र में उसको टेस्ट करके बनाते हैं कि वो फायरफॉक्स में भी सही दिखे, वो मोजिला में भी सही दिखे, वो ओपेरा में भी सही दिखे, सारे ब्राउज़र में सही दिखे। तो आजकल जो वेबसाइट आती है वो सारे ब्राउज़र के लिए आती, क्रोम में भी सही दिखे, है ना। तो इस तरीके से ये बतला रहा है कि HTML 3.2 जो है वो कौन से वेब ब्राउज़र में सही दिखती थी, 3.0 और नेटस्केप नेविगेटर, ये भी बहुत पुराना सबसे पहले चलता था, ये क्या है, वेब ब्राउज़र है। इसके बाद आया 4.0, इसमें हजारों कैरेक्टर अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, जिन्हें यूनिकोड कहा जाता है। इस वर्जन में डायनेमिक HTML और स्क्रिप्टिंग का प्रयोग कर प्रभावशाली तरीके से वेब पेज को बनाया जा सकता है, इसमें 4.0 में। उसके बाद क्या आ गया, 5.0 आ गया। यह HTML का नया वर्जन है और इसे 28 अक्टूबर 1914 को विकसित किया गया। इसमें मल्टीमीडिया सपोर्ट के लिए कुछ नए टैग दिए गए, जैसे वीडियो दिखलाने के लिए, एनिमेशन के लिए, ऑडियो के लिए, किसमें, HTML 5.0 में। तो लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, HTML 5.0। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन आता है HTML के वर्जन बतलाइए, ठीक है।